कर रहे हैं, उनकी भी अच्छी जॉब है। और दिल्ली के अंदर आज फ्री में बिजली मिल रही है, लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है, फ्री में बिजली मिल रही है। आज दिल्ली से हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अने केजरीवाल ने एक भाषण में ये पण सांभळ्युं हतुं के अहींया इलेक्ट्रिसिटी नुं बिल जीरो आवे छे अने पाणी पण फ्री आपे छे। तो हुं दिल्लीनी एक सोसायटीमां तो आव्यो छुं જ્યાં મને કેટલાક ઘરો દેખાય છે અને આગળ કેટલાક માણસો પણ દેખાય છે, તો આપણે એ પણ જોઈ લઈએ કે ખરેખર ઇલેક્ટ્રિસિટીનું બિલ ઝીરો આવે છે અને પાણી ફ્રી મળે છે। નમસ્તે બેનજી, મેરા નામ આકાશ હૈ ઓર મેં ગુજરાત સે આયો હું, મેં આપસે 2 મિનિટ બાત કરના ચાહતા હું। કિસ લિયે બાત કરના ચાહતે હો? મેને સુના હૈ કે દિલ્હી મેં ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ ઝીરો આતા હૈ। હા આતા હૈ ઝીરો, મતલબ વો ઝીરો કેસે આતા હૈ? 200 યુનિટ ફ્રી આતે હૈ ના, 200 યુનિટ ફ્રી મિલતે હૈ। अच्छा, तो आप मेरे को बिल दिखा सकते हो? हाँ बिल है हमारे पास में। हाँ तो प्लीज दिखाओ। हाँ दिखाती हूँ अभी, जरा बिजली का बिल देना जरा। ये है हमारा बिजली का बिल फ्री। जो मित्रों तुमने देखा लो, खरेखर झीलो बिल से जो, तो पानी भी आपको मुफ्त मिलता है? हाँ पानी भी मुफ्त मिलता है हमें, जैसे बिजली फ्री मिली तो ऐसी पानी फ्री मिल लिया। मैंने यहाँ सुना है कि दिल्ली में पानी का बिल जीरो आता है। हाँ सर बिल्कुल जीरो आता है, 20,000 लीटर पानी हमारा बिल्कुल दिल्ली में फ्री है। और क्या क्या सुविधाएं देते हैं सर? राशन कार्ड हो गया, पहचान पत्र हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। हेल्पलाइन नंबर 1076 जो कॉल करने पर वहाँ से लोग आते हैं और आपकी पूरी डिटेल घर पर फॉर्म भरेंगे, सब कुछ करेंगे, लाइन लगने की कोई जरूरत नहीं आपको। मैंने सुना है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बिल जीरो आता है। बिल्कुल आता है। तो जीरो कैसे आता है? 200 यूनिट सरकार ने हम लोगों को फ्री दे रखा है। अच्छा जी, मतलब आपको 200 यूनिट फ्री है, और अगर 200 यूनिट से ज़्यादा आया तो? 10-20 रुपए ज़्यादा, गर्मी का मौसम है या ऐसे मौसम चल रहा, ज़्यादा नहीं आता। अच्छा 10-20 रुपए से ज़्यादा नहीं आता कभी भी। तो मेरे को आप बिल दिखा सकते हो? बिल्कुल दिखा सकते हैं, प्लीज़ दिखाइए ना बेटा, अंदर से बिल ले आना जाके। ये रहा हमारा बिल, अरे जो ये हमनो बिल केटलू आयो छे जो मित्रों, हमनो बिल मात्र 10 रुपये आयो छे। केटलू? 10 रुपया, मने तो विश्वास ज नहीं आवतो। आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सिर्फ 10 रुपये आया है, तो ये आपको पानी फ्री है कि उसका भी बिल आता होगा? पानी का कोई बिल नहीं आ रहा, पानी फ्री है अभी। आपका यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का क्या रेट चल रहा है? जीरो बिल आता है। तो आप मुझे आपका बिल दिखा सकते हो? हाँ मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन बिल बिल ये BSES का बिल है और इस पे जो बिल ड्यू जो है वो एकदम जीरो है, कोई कुछ बिल नहीं, ये पेमेंट है। तो तुम जो ही सको जो आमनो बिल खरेखर 0 रुपया आयो छे। कितना? 0 रुपया। मतलब जो पहले हालात थे ना कि 10,000 8,000 एक झुग्गी में रहने वाले लोगों के भी 10,000 बिल आते थे। अच्छा। आज वो आराम से सुकून से रह रहे हैं और 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री है दिल्ली के अंदर। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं दी है आपको दिल्ली में? आज अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है। दिल्ली के स्कूल जो है वो आज जो है वर्ल्ड के इंटरनेशनल क्लास अगर बोलते वो है। अच्छा। पहले अस्पतालों में जो है बहुत बुरा हाल होता था। अच्छा। हर जगह गंदगी होती थी, हर जगह मतलब जाने को भी दिल नहीं करता था, लोग अच्छा। प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागते थे, लेकिन गरीब जो है वो तड़प तड़प के मर जाता था। एक और सुविधा उन्होंने दी जो बहुत अच्छी है, अगर अस्पताल किसी भी टेस्ट की 1 महीने से ज़्यादा की डेट देता है तो आप उसको प्राइवेट अस्पताल में जो है टेस्ट करा सकते हो, उसका पैसा जो है वो सरकार भरेगी। अच्छा, ये सारी सुविधाएं आपको मुफ्त में मिलती है? बिल्कुल मुफ्त मिलती है। तो ये केजरीवाल जी कर कैसे लेते हैं ये सब? देखो केजरीवाल जी का सीधा सीधा साधा वो है ईमानदारी। अच्छा, मान लिया जाए किसी एक बिल्डिंग को बनाने में या किसी ब्रिज को बनाने में पहले 1,000 करोड़ लगते थे। अच्छा। 1,000 करोड़ में से 500 करोड़ तो नेता अधिकारी यही खा जाते थे। अच्छा। तो वो पैसा उनका सीधा कहना है कि ईमानदारी से काम करते हैं, उसको बजट कम करते हो, उस पैसे को लोगों में देते हैं, यानी कि अच्छा। लोगों का पैसा लोगों में जा रहा है। अच्छा, यहाँ के पब्लिक को सब फायदा देते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सो फाइनली हूँ दिल्ली में जो काम करवा माटे आव्यो तो ये काम मारू थई गयु छे, अने हकीकत में तो हूँ अहीं केजरीवाल नो भांडो फोड़वा आव्यो तो। पर जयरे मैं दिल्ली मॉडल करेला कामों जोया तो मारी आँखों पर खुली गई। मैं एमनी बनावेली सरकारी स्कूलों जोई, मोहल्ला क्लिनिक जोया, सरकारी हॉस्पिटलों जोई, अने मात्र एटलू ज नहीं, लोकोना घरे जईने एमने इलेक्ट्रिक बिल पण जोया अने तमने पण देखाड्या। एटले बॉस, केजरीवालनी सरकारे हवामां तो वातो नथी ज करी, खरेखर अहींया काम तो कर्या ज छे, अने हा मात्र एटलू ज नहीं, अहींयाना युवानोने रोजगार पण आप्यो छे एमणे। खरेखर बॉस, आ सरकार कई रीते काम करे छे मने तो खबर ज नथी पड़ती। અને આટલી બધી ફ્રી સેવાઓ જો દિલ્હીના જનતાઓને મળતી હોય તો બીજા રાજ્યોની જનતાઓને કેમ ના મળી શકે, તમે પણ વિચારજો। તો ચાલો દોસ્તો, હવે મારો પાછો જવાનો સમય થઈ ગયો છે, હું જઉં છું ગુજરાત રિટર્ન।
તમે મારો વિડિયો જોયો એના બદલ આકાશ વિધાણીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ત્યાં સુધી તમારું ધ્યાન રાખજો. ગુડ બાય, ટેક કેર, જય હિન્દ. તમે જોયું કે દિલ્હીમાં કેટલા શાનદાર કામ થયા છે. વીજળીનું બિલ ઝીરો, પાણીનું બિલ ઝીરો, હોસ્પિટલમાં સારવારનું બિલ ઝીરો, શાનદાર સ્કૂલોમાં ફીસ પણ ઝીરો. આ બધું જ ગુજરાતમાં પણ શક્ય છે. ફક્ત જોઈએ આમ આદમી પાર્ટીની ઈમાનદાર સરકાર. ગુજરાતના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે એક મોકો આપને, એક મોકો કેજરીવાલને.